नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक्ट्रियम डीएस टैबलेट के बारे में, इसके क्या गुण हैं और इस टैबलेट को हमें क्या कौन सी कंडीशन में लेना है और इसको कब लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नया अपडेट आपको मिल सके। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को आगे शुरू कर लेते हैं और इसके गुणों के बारे में जानेंगे। बैक्ट्रियम डीएस कौन से काम आती है, कौन सी कंडीशन में हमें लेना चाहिए। तो फ्रेंड जिनको है जीवाणु संक्रमण, चलिए मैं डिटेल से बताते हूँ। ये जीवाणु संक्रमण के लिए काम आते हैं। जीवाणु मतलब कि जो हमारे आसपास बैक्टीरिया घूमते हैं उसको हम हिंदी में जीवाणु संक्रमण कहते हैं। तो जिनको परजीवी जीवाणु संक्रमण की समस्या है, जैसे कि फोड़े फिंसी की समस्या होती है, जिन पेशेंट को फोड़े बार बार निकलते हैं, फिंसियाँ निकल जाती हैं पेट के ऊपर या पेट के ऊपर या बैक में, तो उस कंडीशन में आप बैक्ट्रियम डीएस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपके ये इन्फेक्शन जो है बिल्कुल क्रिटिकल है या बहुत ज़्यादा है, उसमें पस पड़ चुकी है, तो बिल्कुल ही आपको 3 दिन में सुखा देगी ये। तो इसकी गारंटी फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बैक्ट्रियम डीएस का। तो आइए और इसके यूज़ेस के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत से यूज़ में आते हैं, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन, या आपको बाथरूम में जलन होती है या बाथरूम में खून आता है बार बार, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको या और इसके यूज़ बता दूँ, जैसे कि जबर होना या फोड़े फिंसी होना, तो ये मलेरिया में भी काम करती है दोस्तों। यहाँ मलेरिया, जैसे कि जिन पेशेंट को मलेरिया होता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का दिया जाता है, डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। या आपको किसी दुर्घटना हित मतलब एक्सीडेंट हुआ तो चोट लग चुकी है और जख्म आपका सूख नहीं रहा है, तो आप इसका मैक्सिमम 3 टैबलेट का कोर्स कर ले मॉर्निंग इवनिंग, तो बिल्कुल ही आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके साथ कोई पेन किलर भी ले लें अगर दर्द कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसका। तो इसके मैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, या सिर दर्द हो सकता है आपको, मितली उल्टी आ सकती है, चक्कर, या आप बेहोश पड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आप मत लें। तो मैं एक बार ही बता दूं यहाँ पर, ये देखिए, सॉरी शेड्यूल कौन, शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन में ये ट्रैक आता है, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो एक्सपायरी डेट भी बता देता हूँ, एमआरपी, सॉरी, तो एमआरपी इसका 14 रुपये और एक्सपायरी डेट मई 2022 की है, और आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे ऑल इंडिया में मिल जाएगी ये। तो बहुत ही अच्छा बिकने वाला ब्रांड ब्रांड है एक तरह का। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।